कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन देखिए, सिंगौल पर संग्राम हुआ है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, संविधान के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं बीजेपी की अगर माने तो बीजेपी का कहना है कि सिर्फ विवाद पैदा करना ही विपक्षी पार्टियों का मकसद है। जी बिल्कुल, देखिए सेंगोल दोबारा से एंटर कर गया है और मोहनलालगंज से, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से आरके चौधरी जो कि सपा सांसद है, उन्होंने सेंगोल को लेकर प्रश्न उठाया है और जो प्रोटेम स्पीकर है थे भातृहरि मेहताब, उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि सेंगोल संसद से हटना चाहिए। उन्होंने बोला कि जब मैंने शपथ ली थी और सेंगोल को देखा, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर तो संविधान की प्रति होनी चाहिए थी बड़ी सी, लेकिन यहाँ पे सेंगोल रखा हुआ। सेंगोल होता है राजा की छड़ी होती है, जो राजा ने कहा न दिन न रात, जो राजा ने कहा वही होगी बात। तो कहीं ना कहीं इस मुहावरे को यूज़ करते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि सेंगोल जो राजा कहते थे वही होता है, तो इसकी संसद में कोई जगह नहीं है। इसको लेकर अब सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टियाँ लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका कहना है कि सपा इस तरीके की बयानबाजी करके बस खबरों में बना रहना चाहती है, इसलिए इस तरीके की बातें करती है। वहीं बात जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया, जो कि सपा प्रमुख है, उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी के सांसद ने इस तरह से कहा, तो उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सेंगोल स्थापित किया था, तब उन्होंने उसके आगे नतमस्तक हुए थे, सर झुकाया था, लेकिन अब जब उन्होंने शपथ ली कल, तब वो सर झुकाना भूल गए, तो शायद यही याद दिलाने के लिए मेरे सांसद ने ऐसा कहा होगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति सेंगोल को लेकर गर्मा गई है। देखना ये होगा कि आगे क्या रुख लेता है सेंगोल। लगातार आपको बता दें, जब इसकी स्थापना संसद भवन में की गई थी, तब कई सांसदों ने बात करें, कांग्रेस पार्टी ने तो वॉकआउट किया था और कुछ प्रोग्राम में शामिल भी नहीं हुए थे कि सेंगोल जो है वो हमारा चिन्ह नहीं हो सकता। जबकि बीजेपी का ये भी कहना है कंचन कि इस तरह से बार बार विवाद पैदा करना और संविधान का ठेका सिर्फ विपक्षी पार्टियों के पास नहीं है, संविधान को हम सभी मानते हैं, ऐसे में हर बात को संविधान से जोड़ देना, ये कह देना कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहां तक सही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से इंडिया गठबंधन जो है उसने संविधान का मुद्दा उठाया था, और कह सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और जो रिजल्ट निकल कर आया, तो जो संविधान का मुद्दा, जो नैरेटिव सेट किया गया था देश में कि भारतीय जनता पार्टी यदि 400 पार का नारा दे रही है और जब सत्ता में आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी, तो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने में इंडिया गठबंधन